Differentiate above equation with respect to time. ये कैसे आया है मैंने बताया था मैं हाँ ये टी एस क्यों बोल रहा है जाएगा सही समझ में आया नहीं आया नहीं आया मैं बता दूँ आगे आ गया हाँ कैसे है ये जो ऊपर है ना इसमें टेन एक्स स्क्वायर का डिवाइड फिर जो जो टेन एक्स अपॉन टेन टी की वैल्यू होगी ना वो एक बराबर होगी एक अपॉन टेन ठीक
ये हमने वो माना था ना t माइनस के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड अपॉन क्या था w इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू u था। जब हम ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो के एक्स ओवर माइनस स्क्वायर निकलेगा, वहां से आया है। देखिए एडिंग दीज इक्वेशन ऐड कर दो जो पे के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर ये क्या होता है? ये वो लाप्लास ऑपरेटर here del square is known as where del square is known as Laplacian operator. Yep. Question number one, say again. ये टर्म इक्वेशन 4-6 के बराबर आ रही है। ये टर्म इक्वेशन 4-6 के बराबर है। इक्वेशन 4 10 पर साइन हो जाएगी। इस जगह तक प्लेस करते हो देखिए 1 इक्वेशन 4 ये क्या होता है? ये वर्ग है ना? इसके बराबर होता है? कल मैंने निकलवाया था ये वर्ग है ना? देखो, d equal to n lambda के बराबर होता है lambda करके जब निकलती थी, क्यों वर्ग है ना? इसके बराबर होता है?
ठीक है लेकिन अब बी के बराबर ही है ना, ढंग से देख लो एक बार, बनपन भी है क्या? अब देखो ये डिस्कस आई है, अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो डिस्कस आई वाले लग सकते हैं, राइट में डिस्कस आई वाले लग सकते हैं, तीनों में है तो तीनों को देंगे, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन। और 3D ये 3D में बोल रहा है, टेस्ट 3D में ही बोल रहा था, एक्साइट है ना, देखिए this equation is known as differential equation of three D differential equation of wave motion। चलो हो गया पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक यही था इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, सिलेबस का पहला टॉपिक यही है 1D एंड 3D वेव मोशन। दूसरा टॉपिक डाल दिया ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, सेकंड टॉपिक डालिए ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, फिर लास्ट क्वेश्चन सॉलिड प्रेशर वेव टेस्ट करो। अरे फिजिक्स में चार यूनिट होती है, पर अब जो क्वेश्चन आना है ना आपका वो 10 से 5 का रेशो आना है, तो आप 3 पढ़ लोगे ना तो उसमें से आपको पूरा पेपर अटेंड हो जाएगा, जब बच्चे पूरा पढ़ने जाते हैं तब उनके पंद्रह नंबर आते हैं, पेपर नहीं दिए ना इसलिए, अभी पेपर नहीं दिए ना इसलिए मेरे बात मैंने एक बार कराया था, कौन सी करा मैकेनिक्स, उसमें भी 3 पढ़ना था, कराई जा रहे हैं ना 3 पढ़ना था, ऐसा कुछ करेगा जो अभी तक
Bueno. Ya daré que para hoy. इसमें तीन टॉपिक है, सारे चैप्टर में एक तो चार है, एक तो तुमने कर लिया, दूसरा ये वाला है, तीसरा प्रेशर में और चौथा लास्ट में, ये चैप्टर कंप्लीट। फिर ईएमएस में आएंगे फिर यूनिट थ्री कम टाइम बचेगा तो कोर्स भी कर लेना। हां आप भी कर सकते हो इसके टाइम बचेगा ईएमएस इस क्लास में पूछेंगे, इस क्लास में मैंने लिखवाया था तो ले लो, पेपर लिखे हुए नहीं है, मैंने बोल के लिखवाया था। ए बढ़िया क्लास में गए यार, तुम पूछो ही ऐसे बच्चों को तो पास किया था यार। ओ नो ओके एक्स और एटेक्स एटेक्स मुझे बुला लेना, मैं कॉपी हूँ, मुझे तो मिलती ही ना सुविधा से। आप क्या कर रहे हो? बच्चे को पकड़ के ला दो। और अगर आप क्या कर रहे हो? आओ आओ चले चलो से मेरा आज ही बन जाएगा। कब शाम में लेके आऊँ? बैठो मुझे दस से देख पीरियड आप कौन सा? हाँ मेरे पीरियड आप कौन सा? क्लास चलना मेरे साथ Thank you.
आगे समझ लो, बातें नहीं करो। देखो ये क्या है, स्ट्रिंग स्टोरी, ये पुली है, ये एक वेट लटका है। हमने क्या करा है, स्टोरी को पुली से बांध के वेट पर लटका दिया, उसका वेट का नाम है एम। अब जब ये वेट लटकेगा पुली के ऊपर तो जो स्ट्रिंग है खिंचेगी, खिंचेगी दो मिनट, स्प्रिंग खुद खींचेगी तो स्प्रिंग अपोजिट फोर्स लगाएगी, वापस अपनी इनिशियल कंडीशन लाने के लिए। तो बता सकते हैं टेंशन में तो होगा, जब अपोजिट काम करती है तो टेंशन लगता है, तो जब हम नीचे नीचे के टेंशन करेगा अपोजिट डायरेक्शन। अब ये कोई और ऐसा है जहाँ से मतलब ये दीवार है, किसी से बस स्प्रिंग बांधी थी, एक ग्लास बांधी और एक से अपन लटका दिए। अब यहाँ पर मैंने माना, कई मान सकते हैं कि दो पॉइंट्स बांधी है स्प्रिंग पर, ए और बी, जहाँ पर टेंशन फोर्स लगा है। ए पर तो जो लगेगा वो नीचे की साइड लगेगा, बी पर जो लगेगा वो ऊपर की साइड लगेगा, ये टेंशन की डायरेक्शन। मैंने माना जो ए पॉइंट जहाँ पर हमने टेंशन निकाली है वो तो आपको और एक डिस्टेंस पर, और ये वाला दूसरा पॉइंट एक्सटर्नल डेल्टा एक्स है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस डेल्टा एक्स। अब इधर आ जाओ, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पॉइंट ए है जो हमने ये लिया था, ये पॉइंट बी है जो हमने ये पॉइंट लिया था, दोनों पर टेंशन लगी थी, ये रही टेंशन, ये और बी पर टेंशन लगी थी। वेट डब्ल्यू है बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर है। वी कैन एज्यूम एन आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग कौन सी होती है, मैंने यहाँ पर आइडियल इसका नहीं, आइडियल स्ट्रिंग वो होती है जो स्ट्रेस करने पर नहीं, मतलब रिमूव करने पर वापस अपने ओरिजिनल शेप में वापस लौट आती है, वो होती है हमारी आइडियल स्ट्रिंग। लेट अस क्या बोल लिखा है ना,
ideal state. Let us assume that, let us consider an ideal state which is perfectly elastic. Perfectly elastic. मैंने लिखा है लेट अस कंसीडर एन आइडियल इलास्टिक व्हिच इज, फिर फर्स्ट पॉइंट में लिखना परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड पॉइंट में लिखो डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग, डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग इज सेम अलोंग इट्स लेंथ, इज सेम अलोंग इट्स लेंथ. थर्ड पॉइंट में लिखिए आइडियल कौन कौन सी होती है वो बता दी प्रॉपर्टी. देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ड्यू टू वाइब्रेशन. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ड्यू टू वाइब्रेशन. फोर्थ पॉइंट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज स्मॉल एम. पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज स्मॉल एम. अब क्या करते हैं अपन, जैसे बांध दिया डोरी को, अब अपन बीच में से पकड़ते हैं और नीचे खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो कैसे कटती है, वाइब्रेट करने लगती है, जिसकी वजह से उसमें टेंशन होती है. टेंशन जब तक नहीं लगेगी जब तक उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नाउ वी, नाउ वी, नाउ वी स्ट्रेस अ स्ट्रिंग इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेस अ स्ट्रिंग इन वाई डायरेक्शन, इट क्रिएट्स टू एंड फ्रो मोशन. Two ends creates two ends of motion. Full stop. The tension exists on an string in opposite direction. अच्छा टेंशन लगता क्यों है खींचने पर ये बताओ. मैंने बोला डोरी को जब लाते हुआ डोरी हिलने लग जाती है. अब ये बताओ कि वो टेंशन क्यों लगता है. मैंने बोला जब तक आप इसे लाओगे नहीं तब तक इसमें टेंशन नहीं लगेगा. जैसे ही आपने लाया वैसे टेंशन लगता चालू हो जाता है. टेंशन लगता क्यों है क्योंकि वो स्ट्रिंग को वापस उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करता है जैसे कंडीशन में वो पहले थी. इलास्टिसिटी ये तो होती है वापस सॉइल को चेंज में लाने की कोशिश करना अपोजिट डायरेक्शन में लग के फिर उसको तन देता है पर दोनों का टेंशन कर देता है जिससे वो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आके दूरी रुक जाए. रुकेगी क्या लिखिए लाइन in opposite direction due to which the string comes in initial position. Comes in initial position. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट मे बी, स्मॉल एलिमेंट मे बी इन विच टेंशन आर एग्जिस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, which tension are exist in opposite direction. Yeah.
in opposite direction, which makes an angle. Which makes an angle theta 1 and theta 2. From horizontal. From horizontal. Horizontal component. Horizontal component of tension force at A and B is P1 P cos theta 1 and P cos theta 2 is T cos theta 1 and T cos theta 2. Here is vertical component. Here is vertical component at A and B. At A and B is T sin theta 1 and T sin theta 2. Let us consider the length of string. The length of string is fixed. So the angle theta 1 and theta 2. So the angle theta 1 and theta 2 is very small. Let us consider length of string is fixed. So angle theta 1 and theta 2 is negligible. Is very small. मैंने लिखा है अगर ये लेंथ आप कितना भी खींचो इसको लेंथ कभी चेंज ना हो ऐसे खींचो या ऐसे खींचो या डोरी लटकाओ कुछ भी करो लेकिन लेंथ कभी चेंज ना हो लेंथ फिक्स रहे तो इसका मतलब है जो ये एंगल बन रहा है थीटा वन हो गया वो इतने छोटे हो गए कि हम उसे महसूस नहीं कर पाए अगर फिक्स कर दी तो थीटा तो बन ही नहीं सकता जब रस्सी ढीली होगी तभी तो आपके थीटा बनेंगे ढीली होगी तो कहीं से चुप जाएगी कहीं से बैंड हो जाएगी अगर अगर ये रस्सी ढीली नहीं है तनी हुई है फिक्स है तो इसका मतलब उसके अंदर एंगल नहीं बनेंगे तो एंगल कितना होगा स्मॉल होगा अगर स्मॉल होता है तो ये टेंशन पर जो है वो किसके बराबर होंगे पी के बराबर क्या लिखा सो पी कॉस थीटा 1 पी कॉस थीटा 2 इसको मान लेते हैं अब लिख दिया आगे रिजल्टेंट फोर्स एट स्ट्रिंग रिजल्टेंट फोर्स एट स्ट्रिंग आपको ये पता है कि अगर सुनो जरा दोबारा अगर थीटा 1 और थीटा 2 छोटे होते हैं तो cos थीटा हो जाता है 1 sin थीटा हो जाता है थीटा ये मैंने cos थीटा तो 1 कर दिया तो p के बराबर हो गया अब sin थीटा में क्या फर्क होगा वो रिजल्ट है sin थीटा जो होगा वो t नहीं बनेगा वो तो थीटा रहेगा इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालते हुए एक पर cos वाले कंपोनेंट में तो t रह जाएगा sin वाले से कितना आएगा s बराबर डायरेक्शन
Because theta 1 and theta 2 is very small, चलो आगे कल करेंगे।